हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वंस ह्यूमन। और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमें एक चिड़िया तितली मिली थी जो कि हमने अपने बैग में रखा था। फिर हमारी जो गेम की स्टार्टिंग हुई थी वो एक लैब के अंदर हुई थी। ग्राफिक्स वगैरह बहुत प्यारे भाई। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आगे की जर्नी, वहाँ से लैब के निकलने के बाद हमें एक आइलैंड पे छोड़ा गया था जो कि हमारे गेम की स्टार्टिंग थी। तो चलो देखते हैं अब इसके बाद क्या वहाँ पे क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और कैसी रहती है हमारी आज की जर्नी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये हम लोग आ चुके हैं हमारे गेम के अंदर। और भाई ग्राफिक्स तुम देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे हैं। और सही बताओ तुमको, तुम विश्वास नहीं करोगे, ये हमारा जो अभी अवेलेबल है जो मैं खेल रहा हूँ ये लोवेस्ट ग्राफिक्स है भाई। तो तुम खुद सोच सकते हो ये लोवेस्ट ग्राफिक्स में ऐसा दिख रहा है। तो अगर मैं इसको हाईएस्ट करूँ तो फिर क्या होगा भाई। इस गेम का साइज़ ही 50 GB और फ़ोन में भी आएगा, जब ये आएगा तो इसका जो साइज़ रहेगा काफ़ी होगा। तो यहाँ पे देखो, मुझे एक घर के अंदर मुझे बाहर छोड़ा गया और घर के अंदर यहाँ पे मैंने इस तितली को अंदर रख दिया था। मैंने थोड़ा बहुत खेला था इसको। तो यहाँ पे ये पता नहीं क्या है, इसको हम जनरेटर टाइप का, इसके अंदर हमारी तितली जो है वो चार्ज हो रही है, पता नहीं इसको, मतलब देखो ये गेम जो है ना इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिलहाल के लिए मैंने इसको जनरेटर को बंद करके रखा था इस जो भी है। और यहाँ पे सामने हमारी यह ब्लैक मास्क वाली लड़की है जिसे हमें बात करने के लिए कह रहा है। और मेरे एक दोस्त ने बताया था ना कि जब हम इससे बात करेंगे तो हमें एक बड़े से मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा। तो मैं लड़ने से पहले यहाँ पे देखो बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े हुए हैं घर के अंदर, तो मैं सोच रहा हूँ सारे ये रिसोर्सेज को कलेक्ट कर लूँ और उसके बाद हम अपने मॉन्स्टर से लड़ेंगे। क्योंकि अभी भाई थोड़ा सा तैयारी करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने वहाँ मिस भी कर दी थी लैब के अंदर। ओके, यहाँ पे एक वीपन क्रेट है, चलो उसको भी देखते हैं, क्या पता कोई AK-47 मिल जाए। एक पिस्टल मिला है, चलो ठीक है, पिस्टल भी सही है, जो है जो भी मिल रहा है काम चला। और तुम देख सकते हो भाई, ऐसा अगर हमारा घर बनेगा सोचो कितना प्यारा लगेगा भाई साहब। यहाँ पे हम खाना बना सकते हैं। ओके, तो ये हमारा एक तरह का कह सकते हो स्टार्टिंग का घर है, हमारा खुद का घर नहीं है, मतलब कह सकते हो कि स्टार्टिंग के लिए एक छोटा सा दे दिया है कि हम यहाँ पे अपना जर्नी थोड़ा सा सीख सकें। फिर इसके बाद हमें छोड़ा जाएगा मेन जगह पे, जहाँ पे हम अपने मैप वगैरह को एक्सेस कर पाएंगे, मैप देख पाएंगे, वहाँ घर बना पाएंगे भाई, सब कुछ करना है इसमें। और ये गेम में भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर तुम लाइफ आफ्टर अनडाउन खेल रहे हो या फिर खेलते थे हो तो भाई तुमने देखा होगा उसमें भी बहुत सारे रिसोर्सेज होती है। पर इस गेम में सही बताओ तो भाई उनसे 100 गुना ज़्यादा चीज़ें हैं और इस गेम में सारी चीज़ें यूजफुल है। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करनी है। यहाँ पे एक रेडियो देखने को मिल रहा है मुझे, यहाँ पे रेडियो में हम गाने बजा सकते हैं, पर ये थोड़ा सा इरिटेटिंग है। चलो अभी प्ले तो कर दिए हैं। और यहाँ पे देखो एक पियानो है, पियानो पे हम इसको चला सकते हैं, हाँ चला सकते हैं इसको भी। ओके, तो हम यहाँ पे पियानो भी चला सकते हैं भाई, ये चीज़ तो बढ़िया है, चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ 4-5 बटन दिए हैं जिससे हम इसको बजा सकते हैं। कुछ प्यारे प्यारे धुन सुनाई दे रही है पर बजाने तो आता नहीं है, कोई काम का नहीं है। चलो और देखते हैं और घर में हमारे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने यार रेडियो बंद कर दिया, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। यहाँ पे कुछ टेरिटरी टर्मिनल, मेरे ख्याल से ये वो चीज़ है जो कि हम अपने बेस पे लगा सकते हैं। जैसे कि अगर तुम अंडमान में देखोगे एक हमारा टेरिटरी लॉकर होता है, उसी तरह का है यहाँ पे। और यहाँ पे हम कुछ चीज़ें इसमें स्टोर भी कर सकते हैं। वैसे इसका रियल यूज क्या है मुझे नहीं पता, तो बस इतना समझ सकता हूँ कि हाँ ये अपने बेस में हमें मिलेगा लगाने के लिए, और हमें लगाना पड़ेगा भाई। वाह क्या सीन है। ओके यार, ये चीज़ें हमारी, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। यहाँ पे एक डायरी पड़ी हुई है विक्टर की जो कि कोई काम का नहीं है, इसमें भी थोड़ी बकवास चीज़ें लिखी हैं, इसे भी इग्नोर करते हैं। चलो और देखते हैं और क्या चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे। और गेम की डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा हो। ओके, एडवांस सोलर जनरेटर, क्या मतलब कि हम यहाँ पे जनरेटर वगैरह को भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा 30 वाट की चीज़ें जनरेट हो रही है बिजली, इसको देख सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते, छोड़ो। और देखते हैं और क्या है हमारे इस घर में। ओके, अभी कुछ आया था, अभी कुछ तो दिखा था यहाँ पे, पेंटेड विंडो। ओके, तो क्या हम यहाँ पे विंडो खोल सकते हैं? ओ भाई साहब क्या सीन है यार, विंडो खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। देखो ये सब जो रियलिस्टिक गेम होते हैं ना, यही सब छोटी छोटी चीज़ें गेम को रियलिस्टिक फील देती हैं। ओके, अभी हम आ चुके एकदम अपने टॉप पे, और यहाँ पे वैसे कुछ है नहीं, ये पूरा खाली पड़ा हुआ है, बस विंडो हिला सकते हैं हम। चलो चलते हैं नीचे की तरफ, फिर देखते हैं नीचे कुछ छोटा तो नहीं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट जाती हैं, और इस गेम में भी बहुत सारे बक्स भी हैं। जैसे बक्स ये हैं कि हम किसी चीज़ को मतलब क्लिक करते हैं तो वो काम नहीं करता। और मेरे दोस्त ने बताया था कि जो ये सब वेपन्स रखे हैं मेरे घर के बाहर, ये क्या है, लो कैबिनेट,
ये बताओ, ये लो कैबिनेट, मैं इस पर एफ प्रेस कर रहा हूँ पर ये काम नहीं कर रहा। तो यही देखो, ये छोटे मोटे ग्लिचेस हैं, इसे अभी क्या कर सकते हैं, ये हमें बताना पड़ेगा डेवलपर्स को कि ऐसे ऐसे ग्लिच है, ये काम नहीं कर रहा है। भाई चाह खुल जाए यार, कुछ बढ़िया अंदर होगा तो, कहीं मैं मिस ना कर दूँ। कोई ना, मैं सोच रहा हूँ ना कि मॉन्स्टर मारने से पहले मैं थोड़ा सा मैप को एक्सप्लोर कर लूँ। यहाँ पे बहुत सारे आसपास घर वर दिखे मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँ, चीज़ें इकट्ठी कर लूँ, फिर क्या पता हमें कोई अच्छी सी गन मिल जाए और बॉस को मारने में काम आए। वैसे यहाँ पे जो गन वगैरह रखी है ना, इन्हीं से हमको मारना है। और भाई ये तो काम ही नहीं कर रहा, चलो इसको छोड़ते हैं। अब हमने अपने घर को छोड़ दिया, अब चलो विल्डरनेस में एक्सप्लोर करते हैं कि क्या चीज़ें हम काट सकते हैं, क्या चीज़ें हम तोड़ सकते हैं। और यहाँ पे एक पाम ट्री है, ओके पाम ट्री है, इसको हम तोड़ सकते हैं। ये क्या था तोड़ रहा भाई, अच्छे से तोड़ ले। अच्छा मतलब कि जितनी बार हमें तोड़ना रहेगा उतनी बार हमें क्लिक करना पड़ेगा, या तो ये तो बहुत बुरा है यार। पर हाँ एनिमेशन ठीक ठाक है। अभी मानी सी बात है पिकैक्स वगैरह हमें बनाना पड़ेगा, पर अभी जो गेम है ना वो हमसे सीधा कह रही कि बस बात करो बात करो, मॉन्स्टर मारो, तुमको जल्दी से डिप्लॉय करते हैं रियल वर्ल्ड में जाके, वहाँ पे जो चीज़ें इकट्ठी करनी करो, यहाँ पे हमें इकट्ठा नहीं करना, बस यहाँ पे हम तुम देख सकते हो ऐसा है। तो देख सकते हो हमारा मेन मिशन जो है वो बात ही करना है, पर हम जो हैं वो एक्सप्लोर करेंगे कि कहीं कोई चीज़ मिस ना हो जाए, क्योंकि अपन इस गेम को खेलेंगे नहीं, चाट जाएंगे। और भाई सही बताऊँ तो यार, इस गेम में एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगी, वो है इसका बैकपैक। भाई यार अलग ही है। और मैं चलो अपना बैकपैक दिखाता हूँ, मेरे बैकपैक में कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे कि SS कार्ड, कुछ खाने पीने की चीज़, स्पॉइल्ड फूड, मतलब इसमें खाने ख़राब भी होते हैं, समझ गए, ये 7 डेज़ टू डाई जैसा है। अगर उस गेम में भी ऐसा ही चीज़ें था, बहुत सारी चीज़ें थी, रिसोर्सेस थे कलेक्ट करने के लिए। और इसे हम फेंक सकते हैं, हाँ फेंक सकते हैं, चलो ठीक है। तो मतलब हम कोई खाना वाना इकट्ठा करेंगे बनाएंगे, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि उसे टाइम से पहले खा ले, वरना वो खाना जो रहेगा वो सड़ जाएगा। तो ये भी चीज़ है, बहुत सारे गेम में होता है कि तुम मीट बना के रखे रहते हो, खाना बना के रखे रहते हो, सालों साल चलता रहता है। भाई ऐसे कैसे होता है भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो चलो आगे एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे मुझे एक तालाब दिख रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है भाई, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे पानी हम पी सकते हैं, पर मेरे ख्याल से ये डर्टी वाटर होगा क्योंकि पूरा कीचड़ दिख रहा है। ओके मेंटेन सैनिटी, सैनिटी मतलब थोड़ा सा साफ सुथरापन, इसका रियल मतलब नहीं पता पर वही होता है सैनिटी। ओके तो सामने मुझे एक वो दिख रहा है, एक बिल्डिंग दिख रही है जहाँ मेरे जाने का मन तो हो रहा है। और यहाँ पे मुझे कुछ दिखा था, मतलब ये कोई पेड़ है, मैंग्रोव ट्री, ओके तो ये एक तरह का पेड़ होता है और इसके मैंग्रोव जंगल्स होते हैं। वैसे असल में होता क्या मुझे खुद नहीं पता, पर होते हैं। और चलो चलते हैं, अब हमारा मेन टारगेट है इस एपिसोड का मेन टारगेट है कि थोड़ा एक्सप्लोर करें, फिर उसके बाद बॉस को मारें, और अगले एपिसोड में हम जाएंगे अपने रियल वर्ल्ड में जहाँ पे हम अपने घर बना सकते हैं। तो अगले एपिसोड में हम लोग घर बनाएंगे और इसमें एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखो नीचे हमारा हेल्थ बार है, और खाने पीने का भी है कि हमें भूख को मेंटेन करना पड़ेगा। भूख वगैरह तुम अगर नहीं करोगे ना तो दौड़ भी नहीं पाओगे, और पता नहीं क्यों मेरा करेक्टर भी दौड़ नहीं पा रहा अच्छे से, मतलब ये दौड़ने वाला बटन काम ही नहीं कर रहा है भाई, ये ऑप्शन ही नहीं काम कर रहा। इसमें मेरी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा दिक्कत है गेम का। ओके यहाँ पे पत्थर है, दो तरह के पत्थर मुझे अभी देखने को मिले हैं, एक हमारा कॉपर ओर वाला है जिसमें हमें कॉपर मिलता है, चमकते रहते हैं, और एक नॉर्मल ग्रेवल, नॉर्मल पत्थर। और ये देखो एक पेड़ है जिसमें इन्फेक्टेड ट्री है, पर इसमें से खून निकल रहा भाई, डार्केस्ट खून। ओके पर ये इससे कोई हमें नुकसान भी नहीं है, कोई फ़ायदा भी नहीं है। और यहाँ पे देखो मुझे भूख लगना शुरू हो गई, यू आर ए बिट हंग्री है भाई, पता है यार खाना खाने का जुगाड़ करना है, कोई जानवर तो दिखे। तालाब है, मैंने सोचा था तालाब में मुझे वो देखने को मिलेंगे क्रोकोडाइल्स वगैरह, पर क्रोकोडाइल अभी तो फ़िलहाल नहीं दिखे। ओके यहाँ पे एक घर है जहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। भाई साहब क्या ही हॉरर गेम जैसा लग रहा है ये तो। और यहाँ पे अपना ये चालू करते हैं जैक, ये जैक क्या काम आएगा भाई। तो ऐसे ही छोटी छोटी रिसोर्सेज हमें कलेक्ट करनी पड़ेगी, पर यहाँ पूरा मुझे हॉरर वाइब मिल रहा है एकदम, ऐसा लग रहा है जैसे मैं हॉरर गेम खेल रहा हूँ, कोई जॉम्बी अभी अटैक करेगा, पर मुझे अभी तक कोई भी जॉम्बी देखने को नहीं मिला यहाँ पे, कोई भी खतरा नहीं देखने को मिला, होना तो चाहिए था पर नहीं मिला। हो सकता है हमें रियल वर्ल्ड में जो हमारा इसके बाद भेजेगा वहाँ पे हमें देखने को मिले, क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं हैं। पर यार सही बताओ तो बहुत ज़्यादा डर वाला फीलिंग, मतलब डर जैसा महसूस हो रहा है।
और ओके तो अंदर हमारा कुछ लेने के लिए बोल रहा है, ऐसे क्या लेने के लिए बोल रहा पता नहीं, पर हम ले लेते हैं इसको। जो भी चीज़ें मिल रही है सारी चीज़ें उठानी है, सब काम का है। देखो ये जो हमारे सर्वाइवल गेम्स होते हैं ना, मैंने 7 Days to Die से एक चीज़ सीखा है, अधिकतर चीज़ें जो भी मिले सब उठा लो भाई, स्टार्टिंग में सब काम की रहती है पर कुछ यूजलेस भी रहती है। उसमें एक गेम में एक दो चीज़ें थी, जैसे एक था मडी वाटर, मतलब गंदा पानी मिलता था कमोड वगैरह के अंदर से, और शीशे शीशे के टुकड़े होते थे जिन्हें अगर तुम खा लो तो तुम ऐसे ही मर जाओ, उसे खाने का ऑप्शन भी देता था कि तुम खाओ। ऐसे ऐसे सीन होते हैं इस गेम्स में। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें मिली पर ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं मिला, मैंने सोचा था गन वन मिलेगा पर नहीं मिला, जॉम्बीज वगैरह भी नहीं मिले। चलो आगे चल के एक्सप्लोर करते हैं कुछ बढ़िया जगह पे। तो मैंने काफ़ी सारे घर लूटे, अभी यहाँ पे एक जगह फिर आया हूँ, यहाँ पे मुझे मिल रहा है अलार्म क्लॉक। तो एक तरह से मुझे लगता है ना अलार्म क्लॉक मुझे अभी कम से कम 10-15 बार मिल चुके, तो ये घर में यूज़ करने वाला चीज़ नहीं है, मतलब कि ये वेस्ट मटेरियल है, और वेस्ट मटेरियल को हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ों में यूज कर सकते हैं, जैसे मेल्ट करके कुछ और, या फिर इसके बदले कुछ और चीज़ें हम बना सकते हैं, जैसे डिसमेंटल करना होता है वैसा ही एक तरह का। और यहाँ पे कुछ चमकते हुए बॉक्स मिल रहे हैं जिसे हम खोल नहीं सकते, भाई कुछ बढ़िया दे दो यार। चलो और आगे देखते हैं कुछ बढ़िया मिल जाए। फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं अपने बड़े वाले बिल्डिंग के पास जो कि मेरे सामने है, और भाई देख सकते हो क्या डार्किश इन्वायरमेंट है भाई, ग्राफिक्स देखो बड़े प्यारे लग रहे हैं यार, और जबकि मेरा ग्राफिक्स कार्ड उतना अच्छा नहीं है फिर भी देखो ग्राफिक्स कितने प्यारे हैं। और ये तो लोवेस्ट ग्राफिक्स है, अभी इसको हाईएस्ट पे करूँगा तब तो और ही मज़ा आ जाएगा। थोड़ी बहुत सेटिंग में मैंने छेड़खानी की थी। ओके थोड़ा सा चालू करते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे हमें कुछ बढ़िया मिलना चाहिए क्योंकि तगड़ी जगह भाई बहुत बड़ा सा है, दूर से मेरे घर से ही दिख रहा था 500-600 मीटर दूर से। तो यहाँ पे एक छोटा सा कमरा है, चलो इसके अंदर चल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओके यहाँ पे वैसा कुछ दिख तो नहीं रहा है, बस लेबोरेटरी है छोटी मोटी। ओके 7 Days to Die वाले गेम में मुझे तो वो भी मिलता था प्यूरेट वगैरह, जहाँ भी रहते थे ना कैबिनेट वगैरह, सारे कैबिनेट में भाई एक नहीं कोई ना कोई मतलब ऐसा ना कुछ तो तुमको देता ही था, कूड़ा कचड़ा सब देते थे भाई वहाँ पे। यहाँ पे तब भी ठीक ठाक है, देख रहे हो ये पेड़ का हाल देखो, इन्फेक्टेड हो रखा है भाई। ओके तो इसमें जाने का एंट्री तो दिया नहीं है, मेन गेट, अच्छा मेन गेट इधर है। ओके एंट्री मिल गई, ओके एंट्री मिल गई, अंदर चल के देखते हैं अंदर क्या है। अबे यार यहाँ पे तो दरवाज़ा बंद है, कोई ना इस दरवाजे को खोलने के लिए कुछ तो देना चाहिए था, चुटकी बजा के देखते हैं क्या पता कोई क्लू मिल जाए। कोई क्लू नहीं है, मतलब कि अभी हमारे लिए बंद है, पर मैं इतना श्योर हूँ, मैं जितना मुझे सर्वाइवल गेम्स का एक्सपीरियंस है वैसे कह सकता हूँ कि इसके अंदर कुछ ना कुछ हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड फाइट वगैरह कुछ ना कुछ तो होगी, कुछ बड़ी ब्लंडर होगी यहाँ पे इन फ्यूचर। फिलहाल अभी हम चलते हैं इस जगह को छोड़ के, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ उठाने के लिए भी नहीं है। आगे चल के देखते हैं मैप कहाँ तक जाता है, और शायद हमें कुछ नई जगह मिल जाए। सामने मुझे कुछ छोटे मोटे घर दिख रहे हैं, पक्का यहाँ पे थोड़े बहुत रिसोर्सेस मिलेंगे ही मिलेंगे। ओ भाई यहाँ पे देख सकते हो यार कितने तरह के वीपन्स हैं, बहुत तरह के हैं, और अभी हम सिर्फ दो स्टार्टिंग में बना सकते हैं पर बनाने का ऑप्शन नहीं दे रहा, तो मेरे ख्याल से जब जॉम्बीज नहीं है तो फिर बनाने का फ़ायदा क्या, फिर इसीलिए हमें ऑप्शन भी नहीं दे रहा, तो इसको मैं नहीं हो सकता भाई ये बनाया नहीं जा सकता अभी। पर हाँ इन द फ्यूचर अभी हमें मेन आइलैंड में अपने मेन जो मतलब खतरनाक वाली जब मैप में भेजेगा असली मैप में, वहाँ पे हम इसे बनाएंगे, एक एक गन बनाएंगे, एक एक को चेक करेंगे कैसी इसकी आवाज़ है कैसा क्या है। और भाई ये देख सकते हो मोमेंटो, पता नहीं क्या कैसा नाम है, जॉस वाइल्ड फायर, पर मुझे जितनी भी मुझे 3-4 पिस्टल मिल चुकी है, पर जितनी भी पिस्टल मिली है इसमें से कोई भी वैसी नहीं है, मतलब कि जो मुझे मिला है ना उसका डैमेज वगैरह भी अच्छा खासा मुझे नहीं लग रहा कि होगा, क्योंकि बेकार गन है भाई वो, बहुत बेकार है। और इसमें गन के टायर्स भी होते हैं, गन में तुम पावर भी ऐड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही है। सही बताओ तो ये गेम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हो, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें समझनी पड़ेगी धीरे धीरे करके। ओके यहाँ पे इमोट वाला भी सेक्शन है, तो मैंने इसको देखा नहीं था। ओके सबको इक्विप कर लेते हैं, मैं इसको तुमको दिखाऊंगा बाद में। मुझे यहाँ पे एक पिस्टल मिली है 201 नाम की, और इसका डैमेज भी 200 लगभग कुछ है, 190 वगैरह। यहाँ पे देखो मैंने इतने सारे रिसोर्स इकट्ठे कर लिए जिसमें से मुझे घंटा समझ नहीं आ रहा कि इसमें से यूज क्या करूँ, इसका काम क्या है। तो मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए अपने मेन बॉस को मारने, क्योंकि कोई भी इन सब का फ़ायदा कुछ हम क्राफ्ट नहीं कर सकते, कुछ बिल्ड नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। और मैंने वो भागने वाला बटन भी चालू कर लिया, तो अब हम अच्छे से स्प्रिंट भी कर सकते हैं,
और चलो अब हमें चलना है हमारे बॉस को मारने। और ये देखो सामने फुटबॉल लगा हुआ है भाई, फुटबॉल ये भी एक तरह का जंक मटेरियल है, मतलब कि कूड़ा कह सकते हो उसको भी। हमें डिसमेंटल वगैरह करके हम इसे यूज करेंगे फ्यूचर में। ओके यहाँ पे कुछ बोर्ड्स वगैरह हैं, डिटेलिंग देखो गेम की कितनी प्यारी है। एक्सप्लोर करते करते देखो मैं यहाँ पे आ गया इसके पूरे मैप के एंड में, और यहाँ पे एक शीशे का मतलब पूरा वो है फ्रेम है जिसके बाहर हम नहीं जा सकते। मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठे किए, 3-4 पिस्टल हो चुकी है मेरे पास, थोड़े बहुत एमोज हैं, ज़्यादा एमोज नहीं मिली। और मुझे यहाँ पे सामने कुछ दिखा था भाई, मैं दिखाता हूँ, वो देखो वो एक क्रोकोडाइल है जो कि इन्फेक्टेड है भाई, उसकी देख सकते हो अगर तुम्हें दिख रहा होगा, इसमें जूमिंग का ऑप्शन नहीं है, वरना मैं तुमको दिखाता। सामने भाई रेड रेड कलर उसके ऊपर, 5 लेवल का है भाई। ओके भाई 45 का डैमेज दे रहा है यार, क्या मजाक है बताओ। उसकी हेल्थ तो देखो भाई 45 के डैमेज से कैसे मरेगा। ओके हेडशॉट मारने पे 100 डैमेज दे रहा है, 70, और भाई ये तो मेरे ही तरफ चलता हुआ आ रहा है, मेरे पास ज़्यादा एमो भी नहीं भाई, थोड़ा सा पीछे चलते हैं वरना ही मार देगा। ओके भागो 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 भागो, मैंने मुझे नहीं छेड़ना चाहिए था, पर ट्राई करते हैं यार क्योंकि गेम है, हम इसे खेल रहे हैं तो हम ट्राई कर सकते हैं। अब इधर आएगा अगर तो मैं इसको मारूंगा। ओके थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब हम मार सकते हैं। पर भाई उसकी हेल्थ तो देख रहे हो यार, हेड शॉट मारने के बाद भी उसकी हेल्थ ऐसा लग रहा है 1-1% जा रही है, फिर भी हम कोशिश करते हैं मारने की। मर जा भाई, मर जा मर जा। ओके थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, ये रिफ्रेश नहीं हो रहा, जैसे ही हमारे अनडॉन गेम में रिफ्रेश हो जाता है ये बंदा, बताओ काफ़ी दूर से मेरे पीछे भाई, क्या स्पीड है। ओके ये रिफ्रेश नहीं हो रहा, पर सड़क पे आ गया भाई, बस कर यार, कितना पीछा करेगा, मैंने गलती हो गई भाई। सारी गन की एमो ख़त्म होती जा रही है, इसमें भी ख़त्म, इसमें भी ख़त्म। ओ भाई साहब एमओ ख़त्म हो गई, अब मैं इसकी हेल्थ अभी भी आधी बची है, इसमें 6 एमओ है, 6 एमओ से भी कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा बचा है भाई, सारी एमओस ख़त्म भाई। देख सकते हो यार कितना तगड़ा लग रहा देखने में भाई, क्या क्या बनाए हैं सब, मज़ा आ गया देख के। नॉर्मल क्रोकोडाइल रहता थोड़ा कम मज़ा आता भाई, पर ये रेडिस गॉडज़िला टाइप का भाई साहब। अब मैं देखो सीधा सा काम कर रहा हूँ कि अपने घर भाग रहा हूँ, क्योंकि गोली वोली सब खत्म हो गई है और मुझे यहाँ पे पहला पहला खतरा दिखने को मिला। मैंने यहाँ पे एक डियर भी मारा था, डियर भी यहाँ पे मिला था मुझे। फिलहाल अभी हम अपने घर आ चुके हैं और इससे बातें कर रहे हैं, अब हमें वक्त आ गया है जो हम बॉस से फाइट करें। इसने बहुत सारी बातें मुझे बताई पर हम इसे कभी और डिस्कस करेंगे, इस ये अच्छे से समझ नहीं आया। पर हाँ ये बता रही थी कि ऐसा ऐसा वर्ल्ड है, तुम्हारा मिशन है यहाँ पे, इनको भगाओ, ये डेविएशन टाइप के कुछ हैं। डेविएशन क्या होता है एग्जैक्टली ये भी नहीं पता, तो यहाँ पे कुछ टाइप मतलब अब हमारा बॉस फाइट होने वाला है एक, और यहाँ पे कट सीन आएगा। ये वही बिल्डिंग है जहाँ पे भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, जहाँ मुझे कुछ नहीं मिला। और भाई साहब ये क्या है, बॉस कहाँ है यहाँ पे, बॉस तो दिख ही नहीं रहा, ऊपर से आएगा क्या। ओके ये एक टावर पे फोकस कर रहा है क्या, मतलब टावर के नीचे है। ओके भाई अबे टावर ही बॉस है, क्या मजाक है यार। ओके तो ये मैं भूल कैसा गया कि इसमें तुमने नोटिस किया होगा पिछले एपिसोड में तुमने जो जॉम्बिस देखे थे उनके पास पता नहीं कैसा एक बॉक्स जैसा हेड रहता है, तो ये गेम थोड़ा सा डिफरेंट है, यही चीज़ तो इस गेम को यूनिक बनाती है कि इसमें जो बॉसेस वगैरह थोड़े से अजीबो गरीब है भाई, जिसका कोई सेंस नहीं बनता भाई, कितना बड़ा मॉन्स्टर है यार। ओके कैसे मारेंगे, हमारे पास पिस्टल है, पिस्टल में एमो नहीं है। देखते हैं जो मशीन गन वगैरह रखा हुआ है क्या हम इसे यूज कर सकते हैं। ओके तो हमारे लिए एक नया गन यहाँ पे आ चुका है भाई साहब, कितना बड़ा गन है गैटली। अबे भाई चलने लगी, मैं फायर नहीं कर रहा हूँ भाई, क्या क्यों चल रही है, एमओ एमओ एमओ, अरे ये एमओ अपने आप कम हो रही है। ओके शांत हुआ, फिर चलने लगा। ओके मतलब नॉर्मल गन तो चल रही है पर मेरी गन क्यों चल रही है, मैं तो इसको चला भी नहीं रहा हूँ। ओके छोटे छोटे ज़ॉम्बीज भी आए, छोटे छोटे जो मॉन्स्टर कह सकते हो इनको, भाई उसकी हेल्थ देख रहे हो, वो तो मुझे दिख भी नहीं रहा, बहुत दूर है अभी। और ये जो बाकी के मशीन गन वगैरह यहाँ पे प्री इंस्टॉल हैं, ये बाकी को मार रहे छोटे छोटे को। तो हमारा मेन फोकस क्या है कि हमें इस घर को बचाना है उस बॉस को यहाँ आने से पहले। ओके अब हेडशॉट पड़ रहे हैं इसको, 112-12 के, बहुत अच्छी इसकी हेल्थ कटी। ओके तो हेल्थ मार सकते हैं, हम इसे मार सकते हैं, इतना भी हार्ड नहीं है। पर हाँ ये रिकॉयल बहुत बुरा कर रही है भाई, क्या गन है भाई साहब, क्या गन है। ये होता है कि बड़े बड़े मॉन्स्टर को मारने के लिए बड़े बड़े गन, भाई मज़ा आ गया देख के। आ जा भाई आ जा, छोटे छोटे को तो ये तो भर दे रहा एकदम, आ जा भाई आ जा आ जा भाई, कितना बड़ा मॉन्स्टर है।
सही कदम बता रहा है, मज़ा आ गया। अब तो मैं ये बता रहा हूँ, मैं अभी अंडॉन खेलता था, उसमें मेनली 4-5 बॉसेस होते हैं भाई, मतलब बोर हो चुका था मैं उस 4-5 बॉसेस को लड़ लड़ के। अब ये होती है गेम जिसमें स्टार्टिंग में ही हमें नए नए बॉसेस देखने को मिल रहे हैं। बताओ, स्टार्ट हुआ नहीं गेम, हमारा बॉस आ गया पहले ही, और यहाँ पे देखो ये अपने इफेक्ट छोड़ रहा, पता नहीं क्या था, बबल बबल जैसा थूक रहा है क्या, मतलब कुछ तो कर रहा है हवा में, और हमारी भी हेल्थ घट रही है पर उतनी नहीं घट रही, तो हमें दिक्कत नहीं है, बस हमें फोकस करना है। और 300 MO बची है लगभग, 350, और इसकी हेल्थ ख़त्म हो चुकी है, मतलब कि ये इसे हम आराम से ख़त्म कर लेंगे। चलो मर जा भाई मर जा, इसके हेड पे मारते हैं। ओके, रेड रेड नंबर से आ रहे भाई साहब, मर जा भाई, मतलब क्या सोच के बॉस बनाया है, अभी इसमें बटरफ्लाई जैसे भी बॉसेस आएंगे भाई, मज़ा आएगा। ओके फाइनली हमने बॉस को मार दिया है। ओ भाई साहब ये बंदी फ्लैक्स कर रही है, देख रहे हो ये। ओके सस्ती कैटरीना क्या बन रही है। ओ भाई साहब ये क्या था भाई, यार ये कुछ मतलब मरने से पहले एक तरह का वो, ये भी वो दिख रहा था, एनिमेशन दिख रहा था कि कुछ लगे कि कुछ है, और ये हमारा ये जो स्वैम्प था, कीचड़ था, वो चला गया। ओके यहाँ पे एक नया बंदा आया है जिसके पास भी ये चिड़ियाँ हैं, मुझे लगा था सिर चिड़ियाँ हमारे पास होगी। ओके तो हमने बॉस को मार दिया, अब चलो चल के देखते हैं। अभी हमारा मिशन दे रहा है कि हमें वो जो अंदर है सिया नाम की बंदी, उससे बात करनी है, फिर इसके बाद ये हम लोग को ओपन वर्ल्ड में भेजेगी, जहाँ पे हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, घर वगैरह बनाएंगे, दोस्त वगैरह बनाएंगे, दुश्मन बनाएंगे। और ये बता रही थी कि हमारा मतलब कि एक तरह से था, हमें पावरफुल बनना है, ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टर हैं हमारे वर्ल्ड में, ये बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है इसकी, तो स्टोरी को अभी तुम लोग छोड़ दो, और जब मुझे अच्छे से पता चलेगा तो मैं खुद तुम लोग को बताऊंगा। फ़िलहाल देखते हैं इसे बात करके कि ये क्या कह रही है। तो मैंने इससे बातें तो कर ली, अब ये हमें वापस भेज रही है अपने ओपन वर्ल्ड गेम में। तो ओ भाई साहब समझ रहा था मैं यही होने वाला है कुछ, तो ये अब हम जा रहे हैं अपने मेन आइलैंड में, जहाँ पे अब हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। पर ये बंदी बता रही थी कि यहीं रुकेगी, ये हमारे साथ नहीं आने वाली है, वहाँ पे हमें ऐसे ही इसके जैसे और भी डेविएशन मिलेंगे, और वो हमें गाइड करेंगे कि कैसे क्या करना है। और हमारा चिड़ियाँ हैं मेन, हमारा चिड़ियाँ हैं भाई साहब, ये क्या है। ओके एक डोर दिख रहा है, ओ भाई क्या सीन है यार, क्या सीन है, देख सकते हो डॉक्टर स्ट्रेंज वाले मूवी की सीन याद आ रहे हैं, ऐसे उसमें भी दरवाजे हुआ करते थे आसमान में। तो तुम देख सकते हो भाई ये है हमारा ओपन वर्ल्ड का मैप, और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तुमने देखा हमने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया, हमने नई नई जगह एक्सप्लोर की, हमने मॉन्स्टर मारा, तो ये एपिसोड इतना काफ़ी है। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि घर वगैरह बनाते हैं, कुछ कंटिन्यू करते हैं आगे की जर्नी को। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। अपना तुम कमेंट में बताना कि तुम्हें कैसा लगा ये, और अभी के लिए बाय बाय।